फ्रेंड्स फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि डिफेंस की तैयारी करते हैं। जी हाँ, डिफेंस की तैयारी करते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं, मेरे आज के वीडियो में आप लोग को हमेशा की तरह डिफेंस की जानकारी मिलेगी। जी हाँ, डिफेंस की पूरी जानकारी मिलेगी। कौन सी वैकेंसी इस वक्त आप लोगों की चल रही है, कौन सी वैकेंसी आने वाली है, जी हाँ कौन सी वैकेंसी आने वाली है, किस एडमिट कार्ड का क्या होगा, और पूरी की पूरी न्यूज आज आप लोगों को मेरे इस डिफेंस न्यूज वाले वीडियो में मिलने वाली है। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा क्रिएट हो चुकी हैं। हाँ जी, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट हो चुकी हैं जो कि ये कोरोना वायरस की वजह से। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं बिल्कुल उनका पालन कीजिए। जी हाँ, आप लोग भी जो हैं 21 दिन का जो आप लोग का ये लॉकडाउन हुआ है उसका पालन कीजिए और घरों में ही रहिए। जी हाँ, घरों में ही रहिए और जैसे जरूरत हो, बहुत ही जरूरत हो तो आप लोग बाहर निकलिए और अपने उपयोगी काम कीजिए। ठीक है, तो आप लोग इसका पालन कीजिए क्योंकि मैं आप लोग को बता दूं लाइफ से इम्पोर्टेंट कोई चीज नहीं है। जी हाँ, जीवन से उपयोगी कोई चीज नहीं है, कोई भी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। यदि आप सुरक्षित है तो सब कुछ सुरक्षित है। तो इन नियमों का पालन कीजिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, नियमों का पालन कीजिए, घर में रहिए और वीडियोस देखते रहिए। जी हाँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ और आप लोगों को न्यू वीडियोस देता रहूंगा, चाहे वो आप लोगों के एजुकेशन से संबंधित हो, वैकेंसी से संबंधित हो। ठीक है, अब बात आती है कि कौन सी वैकेंसी चल रही है। तो मैं आप लोग को बता दूं लेटेस्ट जो वैकेंसी चल रही है इस वक्त, तो कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट डिफेंस के अंतर्गत नहीं चल रहा। जी हाँ, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं चल रहा, सारे काम बंद हो चुके हैं, बट दो वैकेंसियां जो हैं वो आप लोग की चल रही हैं। जी हाँ, सबसे पहली वैकेंसी जो है आप लोग की वो है कंटेनमेंट बोर्ड अंबाला। जी हाँ, कंटेनमेंट बोर्ड अंबाला में जो आप लोग की सफाई कर्मचारी की 74 वैकेंसी निकली हुई है, ये इस वक्त निकली पड़ी है। जी हाँ, तो ये जो वैकेंसी है ये डिफेंस के अंतर्गत आती है। जी हाँ, ये डिफेंस की ही वैकेंसी है, सफाई वाला की 74 वैकेंसी है। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग उस वीडियो को यदि नहीं देखा है तो लिंक मैंने दिया हुआ है, आप लोग उस पर क्लिक करके इसकी पूरी डिटेल जान सकते हैं। लेकिन इसका जो ऑनलाइन अप्लाई होगा वो होगा आप लोगों का 1 अप्रैल से। जी हाँ, इसका 1 अप्रैल से ऑनलाइन अप्लाई होने वाला है। तो इसके बारे में आप लोगों को मैं थोड़ी बहुत जानकारी दे दूं, 74 वैकेंसी है, 18 से 25 साल आप लोग की एज है, एज में आप लोग को रिलैक्सेशन मिलेगा और एससी एसटी ओबीसी सभी के लिए इसमें वैकेंसी है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात आती है फीस की, तो फीस बता दूं मैं, इसमें आप लोग की जो है 100 रुपए फीस रहने वाले। जी, 100 रुपए फीस रहने वाले यदि आप लोग जनरल ओबीसी से हैं, और यदि आप लोग एससी एसटी वुमेन कैंडिडेट तो आप लोग को इसमें कोई फीस पे नहीं करनी है। और इसके बाद जो एग्जाम से रिलेटेड बात है, तो एग्जाम जो है इसका आप लोग का, अगर मैं आप लोग को बता दूं इसमें एग्जाम होने की संभावना नहीं है। जी हाँ, इसमें आप लोग के जो एग्जाम नहीं होंगे, आप लोग का जो सिलेक्शन होगा वो स्क्रीनिंग बेस पे, यानी कि जो आप लोग के मार्क्स होंगे उसके बेस पे होगा। लेकिन यदि बोर्ड चाहता है, आप लोग की जो फॉर्म अप्लाई करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, स्क्रीनिंग नहीं किया जा सकता, तो आप लोग का एग्जाम लिया जा सकता है। जी हाँ, एग्जाम लिया जा सकता है। एग्जाम कैसे लिया जाएगा, फिजिकल लिया जाएगा या फिर रिटर्न में आपसे कुछ जानकारी ली जाएगी, तो इसकी जानकारी मैं आप लोग को अपने आने वाले वीडियोस में डे बाय टू डे वन बाय वन देता रहूंगा। बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही है कि सर हमने हाई स्कूल कर रखा है, हम अप्लाई कर सकते हैं, इंटर पास कर रखा है, हम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो मैं आप लोग को बता दूं ये 8th पास की वैकेंसी है। जी हाँ, 8th पास की वैकेंसी है, तो 8th वाले तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे। यदि आप लोगों ने 10th कर रखा है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या दिक्कत क्या है आप लोग को। आप लोग को यदि आप लोगों ने 10th करी है तो 8th करने के बाद ही तो करी है, तो आप लोग को 8th के मार्क्स वहां पे देने हैं। जी हाँ, 8th के मार्क्स भी देने हैं, 10th के मार्क्स भी देने हैं, तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कंटेनमेंट बोर्ड अंबाला में यदि आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं सफाई कर्मचारी की पोस्ट के लिए, कितनी वैकेंसी किसके लिए है, किस कास्ट के लिए, तो उसकी जानकारी आप लोग को जो मेरे वीडियोस में नोटिफिकेशन का लिंक दे रखा है उससे आप लोग को पूरी जानकारी मिल जाएगी A to Z। इसके बाद जो न्यू वैकेंसी है वो आप लोग की है कंटेनमेंट बोर्ड। जी हाँ, ये भी वैकेंसी आप लोग कंटेनमेंट बोर्ड से है, लेकिन कंटेनमेंट बोर्ड कसौली से, कसौली जो कि आप लोग का हिमाचल प्रदेश में आता है। जी हाँ, और ऑल ओवर इंडिया में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, वैकेंसियां अच्छी है इसमें। और किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है इसमें, तो मैं आप लोग को बताऊं तो मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है, कलर की वैकेंसी है, फायरमैन की वैकेंसी है, बैरियर गार्ड की वैकेंसी है, वॉलमैन की वैकेंसी है, मजदूर की वैकेंसी है, सफाई कर्मचारी की वैकेंसी है, तो सभी के लिए अलग अलग वैकेंसियां निकली हुई हैं। ठीक है,
किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसी है इसकी डिटेल आप लोग को मेरे वीडियो में मिल जाएगी, उसका लिंक मैंने दे रखा है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं यदि आप लोग को इस वैकेंसी के बारे में जानकारी नहीं है। तो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो एज, एज में आप लोग को बता दो इसमें 18 से 25 साल, 18 से 28 साल, 18 से 30 साल सभी के लिए इसमें वैकेंसी है। और आप लोग को गवर्नमेंट जॉब में जैसे रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल, 3 साल, 10 साल आप लोग को मिलने वाला है उसमें। नेक्स्ट है इसके अंदर फीस, फीस में आप लोग को बता दू इसमें जो जनरल ओबीसी और एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे 500 रुपए पे करने हैं, जी हाँ 500 रुपीज पे करने हैं। यदि आप लोग फीमेल कैंडिडेट है तो आप लोग को यहाँ पे 100 रुपए पे करने, और यदि आप लोग एससी एसटी पीएच कैंडिडेट है तो आप लोग को यहाँ पे कोई भी फीस पे नहीं करनी है, जी हाँ। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोग को बताऊं तो इसमें किसी में इंटरव्यू है, किसी में रिटर्न और फिजिकल है, किसी में रिटर्न और स्किल टेस्ट है, जी हाँ। यदि आप मेडिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लोग को इंटरव्यू देना है, और यदि आप लोग फायरमैन और बैरियर गार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लोग को यहाँ पे स्किल टेस्ट देना है, और स्किल टेस्ट के बाद आप लोग का इंटरव्यू होगा। और यदि आप लोग मजदूर सफाई कर्मचारी और वालमैन के लिए भर रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पे फिजिकल प्लस रिटन टेस्ट देना है, जी हाँ। तो फायरमैन और बैरियर गार्ड के लिए आप लोग को जो स्किल टेस्ट होने वाला है इसके अंतर्गत आप लोग की पहले रेस होगी, रेस होगी आप लोग की 100 मीटर की, जी हाँ। मेल कैंडिडेट हैं तो आप लोग 100 मीटर की रेस होगी, 100 मीटर जो है आप लोग को 14 सेकंड में पूरे करने हैं। इसके बाद आप लोग की 800 मीटर की रेस होगी जो कि आप लोग की 2 मिनट 45 सेकंड के अंतर्गत आप लोग को पूरी करनी है। इसके बाद आप लोग का लॉन्ग जंप होगा, जी हाँ लॉन्ग जंप होगा 1.25 मीटर का, और इसके बाद जो हाई जंप होगा वो 4 मीटर का होगा, 3 अटेम्प्ट में आप लोग को पूरी करनी पड़ेगी, जी हाँ। ये है आप लोग का स्किल टेस्ट जो कि फायरमैन बैरियर गार्ड के लिए मेल कैंडिडेट थी, और यदि आप लोग फीमेल कैंडिडेट है तो आप लोग को यहाँ पे 400 मीटर, जी हाँ 100 मीटर आप लोग को 17 सेकंड में करने हैं, और आप लोग को 400 मीटर जो है वो आप लोग को 2.15 सेकंड के अंतर्गत आप लोग को करने है, जी हाँ 2 मिनट 15 सेकंड के अंदर आपको करना है। इसके बाद लॉन्ग जंप है आप लोग की, हाई जंप है। तो ये आप लोग का जो है मैंने फायरमैन और बैरियर गार्ड का बता दिया, और पूरी डिटेल आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग दूसरा वीडियो मेरा देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आप लोग का सफाई कर्मचारी का, मजदूर का और वालमैन का। तो इसमें आप लोग का होगा फिजिकल, फिजिकल में जो है आप लोग का इसमें आप लोग की रेस होने वाली है, या रेस होगी, चिनअप होगी। इसके अलावा आप लोग को जो है कुछ वेट उठा के लेके जाना पड़ेगा, जी हाँ कुछ वेट लेके जाना पड़ेगा जो कि 100 मीटर तक आप लोग को 40 केजी, जी हाँ 40 केजी वेट आप लोग को 100 मीटर तक लेके जाना है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है यदि आप लोग कसौली के अंतर्गत अप्लाई करते हैं कंटेनमेंट बोर्ड में। जो न्यू वैकेंसी है वो है आप लोग की दिल्ली पुलिस में, जी हाँ दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल मेल और कांस्टेबल फीमेल की। तो मैं आप लोग को बता दूं इसका जो है नोटिफिकेशन तो नहीं आया, बट जो इसका ऑर्डर आ चुका है, जी हाँ इसका स्टैंडिंग ऑर्डर आ चुका है। इसका नोटिफिकेशन जो है इसी मंथ आने वाला था, जी हाँ इसी मंथ आप लोग को आने वाला था, मार्च लास्ट के अंतर्गत, नहीं तो अप्रैल स्टार्टिंग में इसका जो नोटिफिकेशन आने वाला था। बट अभी जो प्रॉब्लम्स देखते हुए विभागों में काम बंद कर दिए गए हैं तो इसकी वजह से इसका नोटिफिकेशन आने में समय लगेगा, जी हाँ इसका भी नोटिफिकेशन जो है अब आगे कितने समय के बाद आए इसका कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसका जो स्टैंडिंग ऑर्डर पास हो चुका है, नोटिफिकेशन आना ही है। यदि अप्रैल में भी नहीं आने का, अप्रैल मान के चलिए आप लोग, अप्रैल में भी जो है इसका स्टैंडिंग जो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ये आप लोग का जून के आसपास मुझे लगता है इसका आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बट आप लोग उसकी चिंता मत कीजिए, आप लोग को स्टैंडिंग ऑर्डर मिल चुका है, मीन्स नोटिफिकेशन आने वाला है, आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। तो ये मैंने आप लोग को जानकारी दे दी है, जो भी इस वक्त वैकेंसियां चल रही हैं चाहे वो आप लोग की कंटेनमेंट बोर्ड में हो या फिर दिल्ली पुलिस में हो। इसके बाद जो बात आती है वो आप लोग की एडमिट कार्ड की, जी हाँ एडमिट कार्ड की, जो बहुत से एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं जैसे कि आप लोग का ट्रेडमैन 2017, इसके अलावा जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है सीआईएसएफ ट्रेडमैन का या फिर सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का एग्जाम होने वाला। तो सबसे पहले मैं आप लोग को सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के बारे में बता दूं, जिसके की एडमिट कार्ड आने वाले थे, जी हाँ इसके की एडमिट कार्ड आप लोग के अप्रैल मध्य तक यानी कि अप्रैल 15, 12, 13 तक आप लोग के एडमिट कार्ड आने वाले थे, और इसके एग्जाम जो है अप्रैल लास्ट में आप लोग के 26 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले थे, लेकिन इसके ऊपर भी जो है तलवार लटकती नजर आ रही है, जी हाँ मुझे लगता है ये आप लोग के एग्जाम जो है ये अप्रैल में अब नहीं होंगे, जी हाँ अप्रैल में नहीं होंगे ये एग्जाम आप लोग के अब आगे जाएंगे, क्योंकि जैसा कि लॉकडाउन हुआ है आप लोग का, आप मान सकते हैं कि 14 अप्रैल तक आप लोग कुछ नहीं कर सकते, किसी भी विभाग से ऐसी कोई न्यूज नहीं आ सकती, जब तक कि 14 अप्रैल के बाद क्या करना है ये गवर्नमेंट तय नहीं करती है। आगे मतलब किस प्रकार से आगे की क्या देश की क्या स्थिति होने वाली है ये आने वाला समय बताएगा। तो ये आप लोग मान के चलिए कि अब भी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, जी हाँ इसके जो एग्जाम है ये आगे जाने वाले हैं, सीआईएसएफ
हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्जाम आगे जाने वाले हैं, इसके जो एडमिट कार्ड नहीं आएंगे। अब बात आती है 2017 आईटीबीपी 2017 जो है ट्रेड्समैन वाली जो ये वैकेंसी थी, इसके जो 22 मार्च को एग्जाम होने वाले थे। अब बहुत से लोगों का ये कहना है सर एडमिट कार्ड कब आएंगे, तो एडमिट कार्ड देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि देश की हालत इस वक्त बहुत मतलब जिस हिसाब से चला जा रहा है, कोई भी काम नहीं हो रहे, कोई ऑफिशियल वर्क नहीं हो रहे, तो अप्रैल तो आप बिल्कुल फिनिश मानिए, ठीक है। अप्रैल के बाद आगे क्या होता है, क्या डिसीजन लिया जाता है, तो आप लोग भी जो है जून के आसपास आप मान के चलिए, जी हाँ जून के आसपास ही आप लोगों को कुछ खबर मिलने वाली है। अब इसके बाद बात यह थी सीआईएसएफ ट्रेड्समैन, जी हाँ सीआईएसएफ ट्रेड्समैन जो कि काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे और इनके जो एग्जाम की डेट आ चुकी है, जी हाँ 7/6/2020 जो इनके एग्जाम की डेट है, तो आप लोगों की जो एग्जाम की डेट अभी यही रहने वाली है, आगे क्या होगा ये समय बताएगा। ओके, तो ये मैंने आप लोग को जो जिनकी मेरे पास क्वेरी आ रही थी जिनके एडमिट कार्डों के बारे में उनकी मैंने आप लोग को डिटेल दे दी है, क्योंकि सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का बहुत ज्यादा बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर आपने ये बताई डेट, ये डेट अभी तक एडमिट कार्ड क्यों नहीं आ रहा, कोई न्यूज क्यों नहीं आ रही, तो न्यूज कैसे आएगी जब सभी डिपार्टमेंट्स बंद है, वर्क्स बंद है, कोई इंपॉर्टेंट वर्क नहीं हो रहे, कोई कार्य नहीं हो रहे, तो आपके ऊपर भी मतलब प्रॉब्लम्स आने वाली। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आप लोग की न्यू वैकेंसी, जी हाँ न्यू वैकेंसी। तो न्यू वैकेंसी में आप लोग को बता दूं सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी है सीआरपीएफ, जी हाँ आप लोग, मैं आप लोगों से किसी और वैकेंसी के बारे में नहीं कहूंगा क्योंकि किसी और वैकेंसी का कुछ भी कंफर्मेशन नहीं, लेकिन सीआरपीएफ की जो वैकेंसी है वो इसी वीक निकलने वाली थी, जी हाँ इसी वीक आप लोग को मार्च लास्ट में इसकी वैकेंसी आने वाली थी, नोटिफिकेशन आने वाला था, ये बिल्कुल कंफर्म था, बट मार्च भी फिनिश अप्रैल भी फिनिश, जी हाँ अब आप लोग की जो सीआरपीएफ की वैकेंसी है ये मई के आसपास ही आप लोग को इसकी न्यूज मिल सकती है, जैसी न्यूज मिलेगी मैं आप लोग को बताऊंगा। मैं मान सकता हूं कि आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रही होगी और उन लोगों को बहुत ही दिक्कत हो रही होगी जिनकी की एज बिल्कुल कॉर्नर पे चल रही होगी, जी हाँ जो कि वेट कर रहे होंगे कोई बड़ी वैकेंसी हमें मिल जाए ताकि हम लोग अप्लाई कर सकें और उसमें हम कामयाबी पा सकें, बट इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, तो अभी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। एक वैकेंसी नहीं, किसी और वैकेंसी में कुछ ना कुछ आप लोग अप्लाई करते रहिए, अप्लाई अगर कहीं कुछ भी नहीं होता तो बहुत कुछ है लाइफ में, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ओके, तो सीआरपीएफ की वैकेंसी इस मंथ नहीं निकलेगी, नेक्स्ट मंथ भी नहीं निकलेगी, इसके बाद जो सीआईएसएफ सीआईएसएफ में भी वैकेंसी आने वाली है, लेकिन सीआईएसएफ ट्रेड्समैन की वैकेंसी नहीं होंगी है, जी हाँ इसमें अदर अदर चीजों की वैकेंसियां होंगी, कौन कौन सी वैकेंसी निकलने वाली, तो इसकी भी वैकेंसी की न्यूज आप लोगों को जो है मिलने वाली थी और बहुत से जगहों पे ये न्यूज चल भी रही है कि ये वैकेंसी वो वैकेंसी, तो मैं आप लोग को बता दूं सीआईएसएफ की जो वैकेंसी है इसे तो आप फिलहाल भूल जाइए, जी हाँ ऐसा नहीं है कि आप लोग की एक या दो मंथ में सीआईएसएफ की कोई वैकेंसी आने वाली, सीआईएसएफ की अगर कोई वैकेंसी आप लोग को मिलेगी तो ये वैकेंसी आप लोग को अक्टूबर के आसपास मिलेगी, जी हाँ सीआईएसएफ की वैकेंसी अक्टूबर के पास मिलेगी, लेकिन सीआरपीएफ की वैकेंसी बिल्कुल कंफर्म थी और ये निकलेगी, जैसे ही प्रॉब्लम्स दूर होंगी देश में आप लोग को देखेंगे सीआरपीएफ की वैकेंसी आप लोग की आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद जो है आप लोग की एसएससी जीडी, तो एसएससी जीडी का मैंने आप लोगों से कहा है कि जून जुलाई में, जी हाँ जून जुलाई में आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और अभी जैसे एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं सीआईएसएफ के, आप लोग के सीआईएसएफ के जो सॉरी जो एसएससी सीएचएसएल वगैरह के और जेई वगैरह के जो एग्जाम कैंसिल हो गए, इनके जो एग्जाम का शेड्यूल आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक है, तो इस हिसाब को देखते हुए अब आगे न्यू वैकेंसी किस डेट में निकाली जाएगी तो इसकी प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, जी हाँ जून जुलाई कन्फर्म था कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है, बट मुझे लगता है कि आपकी एसएससी जीडी की वैकेंसी इस साल बहुत ही प्रॉब्लम्स में पड़ सकती है, जी हाँ क्योंकि सभी एग्जामों के डेट आगे बढ़ रहे हैं तो शेड्यूल बिगड़ गया है, तो जैसा होगा मैं आप लोग को बताऊंगा, बट अभी कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद इंडियन आर्मी का भी वही हाल है, कोई न्यू वैकेंसी नहीं आने की, बीएसएफ का भी वही हाल है, ठीक है बीएसएफ में भी अभी कोई न्यू वैकेंसी नहीं आएगी, अगर वैकेंसी आनी होगी तो आप लोग को ईयर एंड में ही सुनाई देंगी, ठीक है। और टेरिटोरियल आर्मी का भी वही हाल है, तो अभी फ्रेंड्स मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दे दी है, ठीक है, तो
कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई और आप लोग को जानकारी लेनी हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछिएगा, ताकि मैं आप लोग की इंक्वायरीज का जवाब जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में दे सकूं। तो अभी टेंशन मत लीजिए, प्रिपरेशन करते रहिए, देश जैसा चल रहा है चलते रहिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जैसा बोल रहे हैं आप लोग वैसा कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियोज देखते रहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसी प्रकार से न्यू वीडियो में न्यू डिफेंस न्यूज के साथ। ओके फ्रेंड बाय, थैंक यू।